अखिल भारतीय महिला मोर्चा की सागर संभाग महामंत्री आदरणीय दीदी श्रीमती ममता दुबे जी के सागर नगर आगमन पर ब्राह्मण समाज की जिला अध्यक्ष विनीता तिवारी जी एवं उनकी ब्राह्मण महिला मोर्चा संगठन की कार्यकारिणी द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें संभाग महामंत्री आदरणीय दीदी श्रीमती ममता दुबे जी ने अखिल भारतीय महिला मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर कार्यकारिणी गठित की एवं समाज को एकजुट मजबूत बनाने एवं ब्राह्मण महिला सशक्तिकरण को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, जिसमें ब्राह्मण समाज की महिला आत्मनिर्भर बन सके ताकि घर परिवार समाज को एकजुट लेकर चल सके। इस अवसर पर सागर संभाग महामंत्री आदरणीय दीदी श्रीमती ममता दुबे जी इस भव्य आत्मीय स्वागत के लिए सभी ब्राह्मण महिलाएं उपस्थित थीं। ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सावित्री तिवारी दीदी और जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा के बुनियाद न्यू और अरे क्या कहूँ, शब्द नहीं मेरे पास, बड़े बड़े शब्द मुझे नहीं आते, पर जितना कहूँ कम पड़ता है। कि सच कहूँ कि हमें कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता, हम तो चल रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ से माता सरस्वती की कृपा ऐसी हुई कि उनकी दृष्टि हम पे पड़ी और मेरा मिलन कृष्ण प्रिया से हुआ। तो उन्होंने पता नहीं कब हमें अपनी गोद में बिठा लिया, वो कहा चिंता ना करो, अब हम आपको पहचान देते हैं कि नारियां होती क्या है। आपको अपनी पहचान देने में पूरा मेरी दीदी का योगदान जाता है, क्योंकि यही पूरी न्यू है। हम तो कंकड़ पत्थर थे, हीरा तो तरासने वाले की तारीफ है कि ये जौहरी थे जिन्होंने हमें तरास के आज हीरा बना दिया। नहीं तो हमें तो पता भी ना था कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज क्या है जी। तो हम सभी बहनों की जो भी पहचान बनी है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कारण बनी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कारण ही आज हम सब लोग आज इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और हम सब अपने एक दूसरे के लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पराया लग रहा हो, ये सिर्फ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का ही वही हमारे भगवान परशुराम जी की कृपा है कि जिस प्रकार आज उनकी कृपा है और आज हम सब लोग एकत्रित बैठे हैं। मेरी दीदी का कहना है कि सभी पदाधिकारी एक बराबर होते हैं, पर मैं तो कहती हूँ कि जब तक बरसात में छाता ना हो तो आप भीग ही जाएंगे, तो वो छाता लगाने वाले तो हमारे दीदी है, उनकी छाया में हम लोग खड़े हैं छाते के नीचे, भरोसा है भीगेंगे नहीं, पार लग ही जाएंगे, भीगेंगे नहीं, ये भरोसे के साथ क्या कहूँ वाणी को बता दो। जिसके नाम से मेरे घर में सूरज जैसे निकला हो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबका मान बढ़ाया और आप सबका प्यार हमें मिला, इसलिए आपको बार बार साधुवाद धन्यवाद देती हूँ और ऐसे ही प्रेम आपका बना रहे, बार बार मिले हर बार मिले। रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नज़र सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।